सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावजात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खसूसी इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या हुक्म दिया है? देखिए फवाद केस दरअसल ये कराची का था और कराची के तजावजात से मुतल्लिक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फुटपाथ हैं बिलखसूस और जो रोड्स हैं उनकी साइड पर भी कब्जा है। सरकारी और निजी इमारतों ने अपनी अपनी इमारतों के बाहर बैरियर्स लगा रखे हैं, कंटेनर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ये वाजे है कि इसका दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाए और ये हुक्म दिया है कि पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा। जो भी सरकारी इमारतें हैं, निजी इमारतें हैं, वो अपनी इमारतों के बाहर से तजावजात खत्म करें, सड़कों को क्लियर करें, फुटपाथों को क्लियर करें। और इस हवाले से अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल और तमाम जो सूबों के एडवोकेट जनरल हैं उनको ये हुक्मनामा भेजा जाए। इसके अलावा जो तमाम सरकारी इदारे हैं उनको भी इनको हुक्मनामे की नकूल भेजी जाए और इस पर फिलफोर अमल दरामद करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा पेमरा को भी हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से टीवी चैनल्स पर एक पब्लिक सर्विस मैसेज का इश्तिहार भी जारी करे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावजात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खसूसी इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या हुक्म दिया है? देखिए फवाद केस दरअसल ये कराची का था और कराची के तजावजात से मुतल्लिक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फुटपाथ हैं बिलखसूस और जो रोड्स हैं उनकी साइड पर भी कब्जा है। सरकारी और निजी इमारतों ने अपनी अपनी इमारतों के बाहर बैरियर्स लगा रखे हैं, कंटेनर्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ये वाजे है कि इसका दायरा पूरे मुल्क में फैलाया जाए और ये हुक्म दिया है कि पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा। जो भी सरकारी इमारतें हैं, निजी इमारतें हैं, वो अपनी इमारतों के बाहर से तजावजात खत्म करें, सड़कों को क्लियर करें, फुटपाथों को क्लियर करें। और इस हवाले से अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि अटॉर्नी जनरल और तमाम जो सूबों के एडवोकेट जनरल हैं उनको ये हुक्मनामा भेजा जाए। इसके अलावा जो तमाम सरकारी इदारे हैं उनको भी इनको हुक्मनामे की नकूल भेजी जाए और इस पर फिलफोर अमल दरामद करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा पेमरा को भी हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से टीवी चैनल्स पर एक पब्लिक सर्विस मैसेज का इश्तिहार भी जारी करे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।